सो हेलो फ्री ऑन बासाई रेडिंग रूम में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं so, सो कल एक्सपायरी और एक्सपायरी डे के अंदर बैंक निफ्टी कैसे मोमेंटम कर सकता है किस टाइप से मोमेंटम आ सकता है कल क्या बड़ा मोमेंटम आएगा कल मोमेंटम आएगा तो कैसे आएगा उसके पीछे रीजन क्या है बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है वन आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है फाइव मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं इन डिटेल्स हम लोग बातचीत करने वाले उस लॉजिक के साथ आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना सो फाइनली आज जैसे मैं लाइव आया था लाइव आके मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था मार्केट जब तक ये दो रेंज के अंदर प्राइस है तब तक मार्केट के अंदर कोई भी टेट कहीं ना कहीं नहीं लेना है नहीं लेना है और आप लोगों ने भी देखा मार्केट इस दोनों रेंज के अंदर रहा और मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस एक्शन से ट्रेड नहीं बना मैंने क्या बोल के रखा था कि थाउट होगा तो अपर साइड एंड सपोर्ट ब्रेकआउट होगा तो डाउन साइड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे राइट ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करके रखा था और आप लोग देखो टोटली मार्केट साइड में गया और मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलिंग की सजेशन मतलब ऑप्शन सेलिंग की तरीका आप लोगों को बताया था अगर ऑप्शन सेलिंग की तरीका आप लोगों ने यूज किया आई थिंक आप कहना की प्रॉफिट के अंदर आज हो राइट और अभी एक्सपायरी डे के अंदर क्या होने वाला है अब एक को कल, आज एक के अंदर हुआ, लोग अपने पोजीशन को होल्ड करके लेके जा रहे और कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होते तो हम लोगों के लिए एक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है आपसे चीज को याद रखना इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करे और इसके नीचे फाइव मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी प्राइस एक्शन बना तो नीचे आए तो यहां से एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ये जो रेजिस्टेंस फोर्टी थाउजेंड की जो रेजिस्टेंस इसके ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है और इसके ऊपर वन पॉइंट नंबर वन जो आपको याद रखना है मार्केट के अंदर कल के चलो फ्लैट ओपन हुआ ओपन होने का मार्केट हल्का सा नीचे दो कैंडल आपको रेट देखने को मिल रहा है गलती से मार्केट को सेल आउट मत करना हो सकता है फॉल्स सिग्नल मार्केट ऊपर आ जाए एंड उसका उल्टा अगर रेजिस्टेंस टूटता है टूटने के बाद इसके ऊपर एक गया दो कैंडल फाइव मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन में क्रॉस होता है तो गलती से हम लोग वहां पर बाय नहीं करेंगे हो सकता है फॉल्स सिग्नल बना के मार्केट नीचे आ जाए ये मार्केट का हैवी डे आपको क्या करना है आपको एक देखना है कि जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है टूटने के साथ आपको ट्रेड नहीं लेना है यहां पर ग्रीन कैंडल से टूटा उसके बाद एक रेड कैंडल बना मतलब मार्केट नीचे आया उसके बाद उस रेड कैंडल की हाई को तोड़ के ऊपर आ रहा है सो इन दैट सिनारियो मैं यहां पर एक अपर साइड की व्यू लेके चलूंगा एंड इसका उल्टा मान के चलो मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करता है ऑफ द रेड कैंडल के साथ रेड कैंडल में जैसे सपोर्ट ब्रेक होगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं वेट करूंगा उसके बाद जैसे उस ग्रीन कैंडल की लो को मार्केट ब्रेक करेगा देन वहां पर हम लोग एक अप डाउन साइड की व्यू रखेंगे बिकॉज जब भी आप देखते हो मार्केट रेंज में रहते सारे लोग वेट करते कब रेंज टूटेगा तो मैं पोजिशन बनाऊंगा सपोर्ट टूटेगा तो सेल कर देंगे रजिस्टर टूटेगा तो बाय कर देंगे मोस्ट

वहां पर ट्रेड लेने की पूरी कोशिश करूंगा उसका उल्टा सपोर्ट ब्रेक होगा रेड कैंडल से उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा उसके बाद वो तो ग्रीन कैंडल की लो को तोड़ेगा दैट रीजन में वहां पर ट्रेड लूंगा उसका मतलब क्या है प्राइस पॉपर उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है प्राइस पॉपर वहां से शेयर को टाइम दे रहा है कि आपके अंदर दम है तो मार्केट को नीचे लेके आओ मान के चलो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा एक ग्रीन कैंडल बना उसके बाद रेड कैंडल मतलब क्या है सेलर के हाथ में सेलर के अंदर दम है तो मार्केट डायरेक्ट यहां से नीचे आएगा बट अगर सेलर के अंदर दम नहीं है तो बायर फिर इसकी हाई को ब्रेक कर देगा मतलब ये समझ में आएगा या इसका होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इट इज ए राइट ब्रेकआउट या इट इज ए फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है उसका उल्टा जैसे सपोर्ट तोड़ेगा रेड कैंडल में तोड़ा फिर एक ग्रीन बना ग्रीन बनने का मतलब क्या है अभी यहां पर बायर को मौका दे रहा है अगर आपके अंदर दम है तो प्राइस को ऊपर लेके जाओ तो बायर अगर उस प्राइस को ऊपर नहीं लेके आ पा रहे उसके उल्टा सेलर उस लो को तोड़ के नीचे आ रहे तो यहां पर कहना की आपको मानना पड़ेगा सेलर के अंदर पावर है सेलर दम है सेलर मार्केट को नीचे लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे तो ये कहना की मार्केट के अंदर कल मेरा व्यू इवन कल अगर मार्केट गैप डाउन खुले या गैप अप खुले मतलब इस रेंज का बाहर या इस रेंज के मतलब एकदम रेंज के बाहर खुल जाता है ये मार्केट दोनों रेंज के बाहर खुल जाते हैं तो और इसके ऊपर भी प्राइस एक्शन देखूंगा देन इसके बाद में डिसीजन लेने वाला हूं मार्केट अगर कल इसके ऊपर ही फ्लैट खोल जाता तो क्या मार्केट अगर इसके अंदर आएगा तो कल भी मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है कल आप एज ए ऑप्शन बायर कोई ट्रेड नहीं है ऑप्शन सेलिंग के लिए तो है अपॉर्चुनिटी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके रखा था एंड ऑप्शन बायर के लिए मार्केट कल भी मेरा इसी रेंज के अंदर आएगा तो वॉलिटिलिटी टू साइड है बट कल प्लास पॉइंट में आप लोगों को बताओ कल अगर मार्केट यहां से मतलब मान के चलो 11 बजे तक इसी रेंज के अंदर घूमता है उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहां से ना अपर साइड मतलब ऊपर आने की चांसेस ज्यादा है सर आप बोलोगे क्यों ऐसा क्यों है ऐसा इसीलिए आपको उसके लिए जाना पड़ेगा वन आवर टाइम फ्रेम में जैसे यहां पर अभी आप लोग देखोगे इट इज ए वन आवर टाइम फ्रेम एंड वन आवर टाइम फ्रेम में चीज को नोटिस करो वन आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहां पर क्या किया वन आवर टाइम फ्रेम में मार्केट का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को टच किया मार्केट नीचे आ गया फिर जोन में आया

उसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने के मतलब मार्केट कहना कि वहां से ऊपर आना चाह रहा है मतलब इसका क्या है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया बायर अभी निश्चिंत मतलब आराम से बैठे सेलर मार्केट को नीचे लेके नहीं आ पा रहे बायर की जोन में मार्केट प्राइस घुमा रहा है